नाइन्थ क्लास फिजिक्स का चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। टर्निंग इफेक्ट फोर्स यानी कि फोर्सेस के जो इफेक्ट्स हैं उनको हम थ्रू आउट स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं वो इधर मैंने राइट किए हैं। सबसे पहले जो हमने लर्न करना है वो है लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फर्स्ट टॉपिक में हमने पैरेलल फोर्सेस और लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के बारे में स्टडी करना है। सेकेंड 4.2 है एडिशन ऑफ फोर्सेस, कि हम फोर्सेस को कैसे एड अप कर सकते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। थर्ड है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इट मींस के फोर्सेस को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। थर्ड है टार्क, टार्क के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसे हम मूवमेंट आर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, के मूवमेंट्स के किन प्रिंसिपल पे बेस करती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 4.6 है सेंटर ऑफ मास, 4.7 है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, 4.8 है कपल और 4.9 में हम इक्विलिब्रियम और इसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम स्टडी करेंगे वो है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की स्टेबिलिटी वो कहाँ पे स्टेबल करता है सेंटर ऑफ मास, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कंटेंट्स। अब हम अपना जो आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट फोर्स का ये पहला टॉपिक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्स को तो हम ऑलरेडी जानते हैं, फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट को रोकने या मोशन में लाने में हेल्प आउट करती है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है अबाउट फोर्स। लेकिन इधर हम लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि द वर्ड लाइक, लाइक मीन सेम, सेम लाइक का मतलब एक जैसी, एक जैसी। और अनलाइक, अनलाइक इसे हम कहेंगे सेम, अनसेम, जो सेम ना हो। पैरेलल, द वर्ड पैरेलल, अब हम आते हैं पैरेलल की तरफ। पैरेलल मींस एक जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो। आप यूं कह लें कि एक रेल की पटरी वो एक पैरेलल में मूव कर रही होती है दोनों। और फोर्सेस मीन फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, कोई भी दो फोर्स जब एक ही ऑब्जेक्ट पे एक ही सिम्ट में एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। पैरेलल फोर्सेस को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक गाड़ी है, और ये रुकी हुई है किसी वजह से, किसी मैकेनिक एरर की वजह से। तो 2%, 3% इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इसे धक्का लगाएंगे। 3%, 1, 2 और 3, और ये F1, F2 और ये F3। 3% की फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, सेम है, कि तीनों के तीनों ही एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, पैरेलल फोर्स कहेंगे। पैरेलल फोर्स यानी कि सच फोर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, कि एक ही डायरेक्शन में हम जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे या एक ही डायरेक्शन की फोर्स को हम पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं एंड इन द सेम डायरेक्शन।
तो इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई? लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इन द सेम डायरेक्शन. वो पैरेलल भी हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो. ये F1 और ये F2. लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है. इसे हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस की एक एग्जाम्पल है जो पहले भी मैंने एक गाड़ी की एग्जाम्पल दी, वो है लाइक पैरेलल फोर्सेस. अब एक और एग्जाम्पल, लाइक एक शॉपिंग बैग है. लेट्स सपोज के ये एक शॉपिंग बैग है. इसमें हमने बहुत सारे एप्पल्स रखे हुए हैं. ये और एप्पल के जो वेट है इन सारे एप्पल्स का, वो डाउनवर्ड है. इसका भी डाउनवर्ड, इसका भी डाउनवर्ड, ये भी डाउन, ये भी डाउन. तो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन सारे एप्पल्स की फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन पर एक्ट कर रही है, इन्हें डाउनवर्ड खींच रही है, इन्हें डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है. तो इनकी डायरेक्शन भी एक तरफ है. तो ये एक एग्जाम्पल है लाइक पैरेलल फोर्सेस. इनकी डायरेक्शन भी एक तरफ है और ये पैरेलल भी हैं. तो ये एक एग्जाम्पल है लाइक पैरेलल फोर्सेस की. अब हम आते हैं सेकेंड फोर्स की तरफ जो के है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. लाइक मीन्स ऐसी फोर्स जो के पैरेलल हों, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस नेम से ही जाहिर है जो के पैरेलल ना हों. अनलाइक मतलब के पैरेलल के उलट, एक जैसी ना हो. एक ऐसी फोर्सेस जो के पैरेलल ना हो उन्हें हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे. इनकी प्रॉपर डेफिनेशन, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक ऐसी फोर्स होती है, एक ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि पैरेलल तो होंगी लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी. एक की डायरेक्शन इस तरफ और एक की डायरेक्शन इस तरफ, या एक की डायरेक्शन अपवर्ड, एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड. तो ये है एग्जाम्पल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की. एक और एग्जाम्पल जो इस बुक में डिस्कस की गई है वो ये है कि हमारे पास एक कोई भी मैस है एम, उसे हमने एक स्ट्रिंग के साथ और एक स्टैंड के साथ अटैच कर दिया है. स्टैंड के साथ अटैच करने के बाद आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस मैस पर. वेट एक्टिंग ऑन दिस मैस डाउनवर्ड. वाइल टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी हेयर रिप्रेजेंट टेंशन. टेंशन जो है वो इस स्ट्रिंग पर एक्ट कर रहा है अपवर्ड. तो आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेट और टेंशन की डायरेक्शन जो है वो एंटी पैरेलल है, यानी के ऑपोजिट है. तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन कहेंगे. ये तो डेफिनेशन से भी हमने बताया कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रही हैं. दिस इज ऑल अबाउट लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस.